आर्कियोलॉजी एंड वास्तु रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश में मैं ज्योत्सना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु से कराने जा रही हूँ जो 21 वर्षों से लगातार ज्योतिष विद्या पर गहन रिसर्च कर रहे हैं। और आज हम उनसे कुछ ऐसी बातों के विषय में चर्चा करेंगे जिन बातों का घटित होना ग्रहों के परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ आचार्य महेश योगी जी से। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, प्रेम, विवाह और धोखा, इसका ग्रहों से क्या संबंध है? क्या हमारी फीलिंग्स पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे थॉट्स पर ग्रहों का कोई प्रभाव पड़ता है? ग्रह नक्षत्रों का मानव जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष से आने वाली रश्मियां मानव जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। प्राचीन ज्योतिष के अनुसार मैं उन सुमेरियंस की सभ्यताओं का जिक्र करूंगा जिन्होंने ज्योतिष को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया था। ईसा से 2500 साल पहले ये सुमेर की सभ्यता थी जिसने 700 फीट ऊंचे मीनार बनाए और उसके पुरोहित 24 घंटे आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते थे। उस समय ज्योतिष में हर प्रश्न के उत्तर मौजूद थे। जैसे वो सभ्यता नष्ट हो गई, ये विज्ञान टुकड़ों में टूटता चला गया। सुमेरियंस को ये ज्ञान हो गया था कि मनुष्य के जीवन की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका संबंध नक्षत्रों से ना हो। नक्षत्रों से आने वाली रश्मियां मनुष्य के जीवन को, विचार और भावनाओं को बहुत गहरे में परिवर्तित करते हैं। शादी हम समाज के लोगों ने ईजाद की है। शादी, मैरिज इज ए ऑर्गेनाइजेशन जो हम समाज के लोगों ने बनाई है। लव इज ए नेचुरल एक्सीडेंट, एक प्राकृतिक घटना है। जो दो लोगों का मिलन एक समय में फिक्स होता है और वो लंबे टाइम तक साथ रहते हैं। मैं पुरानी सभ्यता का जिक्र करूंगा कि इसमें हमारे दो ग्रह जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एक सूर्य जो हमारी फीलिंग्स का कारक है, जो हमारी आत्मा का कारक है जिससे हम किसी चीज को महसूस करते हैं। दूसरा शुक्र जिससे उमंग उठती है किसी चीज को पाने के लिए। शुक्र और सूर्य यदि दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं तो हमें तीनों चीजों में प्रॉब्लम आती है, विवाह, प्रेम और धोखे। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मनुष्य जो है पहले शरीर के तल पे जीता था, वो सूर्योदय से पहले उठता था और वो ऐसी दिनचर्या थी कि उसके शुक्र और सूर्य मेंटेन रहते थे जिसकी वजह से दो शादीशुदा जोड़े लंबे टाइम तक साथ रहते थे। आज समय के साथ वो चीजें परिवर्तित होती चली गई। आज हम मन के तल पे जीते हैं, आज हम मन के तल पे जीते हैं और मन चेंजिंग चाहता है। आप जितने भी लव मैरिज केसेज हिंदुस्तान में हैं, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जो ठीक से 4 से 6 महीने तक इंटरेस्ट लेती है सामने वाले में। आज जितने भी लव मैरिज केसेज हैं उनमें जो झगड़े स्टार्ट होते हैं वो ठीक से 4 से 6 महीने के बाद होते हैं। आज जितने भी लव मैरिज जोड़े हिंदुस्तान में हैं उनमें जो झगड़े स्टार्ट होते हैं वो ठीक 4 से 6 महीने के बाद शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि इसने मुझे फंसा दिया, उसने मुझे फंसा दिया। क्योंकि हमारी जो रूट्स हैं वो झूठ से शुरू होती हैं। एक लड़का पहली बार किसी लड़की को बोलेगा कि तुमसे सुंदर कोई लड़की है ही दुनिया में नहीं है। उस लड़की को मालूम है कि तुमसे सुंदर लड़कियां हैं दुनिया में, झूठ है लेकिन मानने जैसा लगता है, हामी भर देती है जहां से झूठ का जन्म होता है। और कभी भी झूठे प्रश्नों के उत्तर सच्चाई से नहीं दिए जा सकते और सच्चे प्रश्नों के उत्तर झूठ से नहीं दिए जा सकते। लड़की भी लड़के को बोलती है कि तुम जैसा राजकुमार मैंने दुनिया में देखा ही नहीं, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। उस लड़के को मालूम है कि तुमसे सुंदर लड़के दुनिया में मौजूद हैं लेकिन हामी भरता है, वहां से झूठ का जन्म शुरू होता है। और जिस प्रेम की हम बात करते हैं, प्रेम कभी भी आरोपण को महसूस नहीं करता। कभी भी प्रेम को आप आरोपित करोगे वो मुरझा जाएगा। प्रेम वो फूल है जिसको जैसे ही आरोपित करेंगे वो मुरझा जाएगा। मुरझाया हुआ फूल किसी काम का नहीं होता है। प्रेम की मैं पूरी तरह से आपको डेफिनेशन देना चाहूंगा कि प्रेम वो चीज है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम में गिर जाना सबसे खतरनाक घटना है। क्योंकि जब आपका सूर्य सक्रिय होता है तो आपका दिल पूरी तरह से सामने वाले के ऊपर फिदा हो जाता है और आपको सिर्फ लुटाने में मजा आता है। प्रेम की डेफिनेशन है उसको सिर्फ लुटाने में मजा आता है,
और वासना की डेफिनेशन है, उसको पाने में मजा आता है। प्रेम में और वासना में बहुत बड़ा भेद है। प्रेम में आदमी पूरा लुटा देगा अपने आप को, वो पाने की कोशिश नहीं करेगा। प्रेम दिल की इजाद है और दिल जो है वो ब्लाइंड होता है, और वासना ब्रेन की इजाद है। वो गणित का इस्तेमाल करता है कि मुझे इस आदमी से क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके पास क्या है, प्रॉपर्टी, पैसा, नाम, बैंक बैलेंस, मोटर गाड़ी। वो जो गणित की भाषा यूज करते हैं वो चीज़ें ब्रेन से आती हैं, और अपने आप को लुटा देना दिल से आता है, जिसको मैं प्रेम कहता हूँ। मनुष्य के प्रति प्रेम में गिर जाना बेहद खतरनाक घटना है, उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन इससे खूबसूरत भी कोई चीज नहीं दुनिया में। आज की भागदौड़ भरे जीवन में शादीशुदा जोड़ों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि यदि दो आत्माओं के अंदर प्रेम है तो उनको हर हफ्ते पिक्चर देखने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। यदि दो आत्माओं में प्रेम है तो वो बैठे बैठे इतना प्रेम उनमें बरसने लग जाता है कि उनकी भूख खो जाती है। आज पति पत्नी को हम देखते हैं, उनको एक हफ्ते में एक दिन का टाइम मिलेगा रविवार को, और रविवार को वो मूवी देखने जाएंगे। मतलब 3 घंटे अपने आप को भुलाना चाहते हो, आप अंदर के खालीपन को भरना चाहते हो, प्रेम नहीं है। 95% जोड़े बंधन और कानून के कारण साथ रहते हैं, प्रेम के कारण साथ नहीं रहते। मैं एक पौराणिक कथा का आपको जिक्र करूंगा, हीर और रांझे की कथा, मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने सुनी होगी। जब रांझा उसके प्रेम में पड़ जाता है और अपना सब कुछ छोड़ के और उसके यहाँ पशुओं को चराने लग जाता है, समय बदलता चला गया, वो हीरे की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जब वो अपनी ससुराल के लिए चलती है तो जब डोली में बैठती है तो आगे आके खड़ा हो जाता है कि मैंने अपने पूरे जीवन को लुटा दिया तुम्हारे लिए, मेरा क्या राह होगा, मुझे कोई रास्ता बताइए। तो वो कहती है कि मैं 3 दिन में आ जाऊंगी, मैं मजबूर हो गई थी और मेरा कोई वश नहीं चला, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तो जब हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, प्रेम सूक्ष्म शरीर की घटना है। हम स्थूल शरीर में बैठे हैं, इसको भोजन, पानी, ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को भोजन, पानी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। प्रेम कहते हैं कि वही उसका राम जिसमें मन बस जाता है। वो रांझा उधर ध्यान लगा देता है उसको आने के लिए कि वो 3 दिन में आ जाएगी, और वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, और उसका पूरा शरीर एक पेड़ के रूप में तब्दील हो जाता है, और रात को आवाजें आती हैं, हीरे हीरे करके चिल्लाता है। ठीक 12 साल बीत जाते हैं, 12 साल के बाद वो हीरे वहां पे आती है, तो उसने लोगों से पूछा कि मैं एक नौजवान को यहाँ पे छोड़ के गई थी, आप में से किसी ने देखा? तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई नौजवान नहीं, यहाँ एक पेड़ है और इसमें भूत रहता है जो रात को हीरे हीरे करके चिल्लाता है। पेड़ में से आवाज आई कि मैं यहाँ हूँ, तुम किससे पूछ रहे हो? उसने देखा वो शरीर पूरा एक पेड़ के रूप में तब्दील हो चुका था, पूरी लटाएं उसमें बढ़ चुकी थी, और उसने अपने पूरे शरीर को, सिर्फ आत्मा बची थी, शरीर को उसने मिट्टी बना दिया। वो कहने लगे कि जब मैं इतने टाइम नहीं आई, तुम्हें चले जाना चाहिए था। उसने उत्तर दिया कि मैं इसी वजह से नहीं गया, कभी मैं चला जाऊं और तुम उसी वक्त न आ जाओ। इसको कहते हैं प्रेम। आज के जमाने में आप जो लव मैरिज केसेस की बात कर रहे हो, वो प्रेम नहीं है, वो वासना से प्रेरित है, और उनमें जो झगड़े स्टार्ट होते हैं वो ठीक 4 से 6 महीने के बाद शुरू होते हैं, क्योंकि रूट्स झूठ से शुरू होते हैं, और कभी भी झूठे प्रश्नों से आप सच्चे उत्तरों की आशा नहीं कर सकते। शादीशुदा लाइफ पहले की मैं बताऊं कि दिनचर्या लोगों की अच्छी थी, वो सूर्योदय से पहले उठते थे, एक पति पत्नी में फीलिंग्स होती थी। प्रेम वो चीज़ है, यदि पत्नी के सिर में दर्द हो गया तो पति को उधर महसूस हो जाएगा कि इसके सिर में दर्द हो गया। इसको कहते हैं टेलीपैथी, कि एक आत्मा के द्वारा दूसरी आत्मा में प्रश्न और उत्तरों का तालमेल बैठ जाना। आज के जमाने में भागदौड़ की जो जीवन है, ये पूरा जो है वो ब्रेन से चलता है, और ब्रेन कभी प्यार की भाषा समझ ही नहीं सकता। प्रेम की भाषा में आपको बताऊं कि आदमी सिर्फ अपने आप को लुटाता है, और वासना में आदमी सिर्फ पाने की कोशिश करता है, वो लालच से प्रेरित है। आज जो शादीशुदा जोड़ों में जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि इनकी रूट्स झूठ से शुरू होती हैं, 6 महीने के बाद आदमी एक दूसरे से उबना शुरू हो जाता है। आज आप नए कपड़े पहनते हैं, मैं बोलूंगा आज कोई मित्र आपको 2 साल बाद मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या खातिरदारियां करें इसकी, और मैं बोलूंगा आप 24 घंटे उसको साथ में रखिए, आप 7-8 दिन में उब जाएंगे, कैसे पीछा छुड़ाऊं इसे। यही घटना मैं आपको सामाजिक स्तर पर लागू करना चाहूंगा कि आज जितने भी पति पत्नी आप देखते हैं, सबके अंदर
95% लोगों में यही प्रॉब्लम है कि बंधन और कानून, 5% लोगों में मेरे हिसाब से प्रेम का रिश्ता होगा, बाकी 95% में नहीं है। विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको समाज ने इजाद किया था कि दो लोग लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और उनमें अपनी शर्तें पहले ही निहित होती हैं। प्रेम में गिर जाना आकाश में उड़ते पक्षी की तरह, पंखे भी रुक सकते हैं, पंखे जल भी सकते हैं और जमीन पे भी गिर सकते हो। इसलिए यूरोप के देशों में आदमी के प्रति आदमी के जो गलत परिणाम आए उसकी वजह से लोग पशुओं से प्रेम करने लग गए। पशु का प्रेम खतरनाक नहीं हो सकता, आदमी का प्रेम खतरनाक हो सकता है। और दो ग्रह का इसमें सबसे बड़ा रोल है, एक सूर्य जो आपकी फीलिंग्स का कारक है, जिसे आप महसूस करते हो, जिसे आपका दिल धड़कता है। जब दो लोगों का सूर्य एक समान और डिग्री बल पे आ जाता है तो वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह ही नहीं पाते, तड़फने लग जाते हैं। न तो वो जी सकते हैं ऐसी अवस्था में और न मर सकते हैं, वो सिर्फ तड़फते हैं। इसको भारतीय शास्त्रों में इश्क कहा जाता है। एक बीमारी है कि आदमी के ब्रेन से तार कट जाते हैं और सिर्फ दिल धड़कता है। वो जैसे जैसे सूर्य विपरीत नक्षत्रों में ट्रेवलिंग करता है, आज जिस चीज के लिए आप जान दे रहे हो सकता है वो 2 साल बाद 2 कौड़ी की न रहे। अक्सर ऐसा हो जाता है। समय के साथ हमारी मनोदशाएं चेंज हो जाती हैं और हमारी विचार और भावनाएं जितनी भी बदलती हैं उनका सीधा संबंध ग्रह नक्षत्रों से है। जब जब जिस आदमी का सूर्य का डिग्री बल बराबर आ जाता है वो एक दूसरे के गहरे प्रेम में गिर जाते हैं, और जब सूर्य जहरीला हो जाता है तो वो एक दूसरे को फूटी आंख से देखना नहीं चाहते, बड़ी गहरी नफरत करने लग जाते हैं। और आज जिसके लिए जान देते हैं कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जान ले भी ले लेते हैं। आचार्य जी, क्या रीजन है कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, लेकिन आजकल बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उन्हें अपमानित कर देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब नक्षत्रों की सिचुएशन उस वक्त है जब हम गर्भ से बाहर आते हैं, वो हमारे पटल पे एक नक्शा तैयार हो जाता है। और जन्मकालीन नक्षत्रों का तारतम्य जब अंतरिक्ष के नक्षत्रों से कट जाता है तो हम बेचैनी, उदासी, भय, ईर्ष्या, चिंता और बीमारी में चले जाते हैं। जब गर्भाधान की अवस्था है, पूरी दुनिया में इस पे सबसे ज्यादा जो काम किया वो हिंदुओं ने किया, अकेले हिंदुओं ने पूरी दुनिया में गर्भाधान के समय को निश्चित कर दिया था। और गर्भाधान के समय से गर्भ, जब औरत के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, उस समय को भी उन्होंने निश्चित कर दिया था कि यदि इस समय में गर्भाधान होता है तो बच्चा इस तरह का पैदा होगा। और हिंदुओं ने जो प्रमाण जुटाए वो पूरी तरह से वैज्ञानिक थे। हमारी वैदिक संस्कृति पूरी तरह वैज्ञानिक और प्रमाणिक है, और हम आधुनिकता की दौड़ में हम अपने संस्कारों को भूल गए, हम यूरोपियंस को फॉलो करने लग गए। जहाँ पे भौतिकता की चरम पे जाके वहाँ का आदमी सबसे दुखी, बेचैन और भयग्रस्त हो गया है। ये जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आजकल बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपमान कर देते हैं, और कई ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि बच्चे मर्डर भी कर देते हैं माँ बाप का। जब गर्भाधान की सिचुएशन है और उस समय जो मनोदशा माँ बाप की है वही बच्चे का मनोपटल बन जाता है, मानसिक पटल। यदि हम इस तरीके से संभोग करें कि हमें एक उत्तम संतान को पैदा करना है और हमारे विचार इतने शुद्ध और स्वस्थ हों, तो वो जो संतान रहेगी वो ताउमर माँ बाप का साथ देगी, वो कभी अपमान नहीं करेगी। ये शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णित है और इसके प्रमाणिक भी प्रमाण आपको मिल जाएंगे, जितने चाहे आप प्रमाण जुटा सकते हैं। लेकिन यदि हम शरीर की भूख मिटाने के लिए और संतप, क्रोध, भय, ईर्ष्या और लालच में यदि 2 आत्माओं का मिलन होता है और वो जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान कभी कहना नहीं मानेगी, क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग्स नहीं है, आदर मान नहीं करेगी, नशे में चली जाएगी, लालच के तहत कई बार माँ बाप का मर्डर भी कर देगी। या कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो नौजवान इंजेक्शन लगाते हैं नशे के, वो उस तरह की संतानें होती हैं, या मर्डर करते हैं, या फिर उनकी मनोदशा एक तामसिक स्तर धारण कर लेती है जिसका आगे चल के बहुत गलत परिणाम होता है। हिंदुओं ने ये सिद्ध कर दिया था कि जो गर्भाधान का समय है वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, कि उस वक्त अंतरिक्ष में क्या सिचुएशन है वही आपके बच्चे का हृदय और मस्तिष्क उसी रूप में तब्दील हो जाएगा और वो संतान आगे चल के ऐसा बनेगी, वो डॉक्टर बनेगी, योद्धा बनेगी, वो पहले निश्चित कर देते थे। समय के साथ सभ्यताएं टूटती चली गई और ये विज्ञान भी नष्ट होता चला गया, टुकड़ों में टूटा हुआ विज्ञान, लेकिन जितना है उतना ओरिजिनल है।
हम लोगों ने इसको तिरस्कृत कर दिया धीरे धीरे। ज्योतिष आज दुनिया का सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक पुराना और मैं कहूंगा कि सर्वाधिक तिरस्कृत विज्ञान है, क्योंकि जो सभ्यता ने इसको पूर्ण रूप से विकसित कर दिया था उस समय हर प्रश्न के उत्तर मौजूद थे। जैसे वो सभ्यता नष्ट हो गई, ये विज्ञान टुकड़ों में टूटता चला गया। आज जिस प्रश्न का हमें उत्तर मालूम नहीं है, हम इतनी ईमानदारी नहीं दिखा सकते कि इसका उत्तर मालूम नहीं है। हम उसमें झूठा प्रश्न लालच से प्रेरित होकर उसका झूठा उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये विज्ञान तिरस्कृत होता चला गया और आज ज्योतिष इतना रुगण और तिरस्कृत होता गया, लेकिन सर्वाधिक मान्य भी है। पूरी दुनिया में 78% लोग ज्योतिष को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग साधारण है। अकेले फ्रांस में 48%, अमेरिका आज दुनिया का ऐसा देश है जो ज्योतिष पे सबसे ज्यादा खर्च करता है, और हिंदुस्तान का 9वां नंबर आता है जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं। आचार्य जी, आजकल की जेनरेशन ज्यादातर नशे की तरफ आकर्षित हो रही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन और यहाँ तक कि सुसाइड भी बढ़ते जा रहे हैं, इसका ग्रहों से क्या संबंध हो सकता है? ग्रहों का मैंने बताया कि विचार और भावनाओं से बड़ा गहरा संबंध है। आज की जनरेशन की दिनचर्या यूरोपियंस को फॉलो करते करते उसको नेचर से अपने आप को काट दिया है। आज की जो जनरेशन है उसने यूरोपियंस को फॉलो करते करते अपने आप को प्रकृति से काट दिया है। आज जो आदमी 3 बजे सोता है और सूर्योदय के बाद उठता है 11 बजे, सबसे पहले उसका सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य खराब होने की वजह से कलेजे की जलन, एसिडिटी, माइग्रेन, स्किन डिजीज, उदासी, मन का खालीपन। मन के खालीपन को भरने के लिए मनुष्य या आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे का सहारा लेती है। या तो उदासी, बेचैनी, भय को मिटाने के लिए वो कुछ क्षण के लिए नशे में चले जाते हैं और धीरे धीरे उसके शिकार हो जाते हैं और उसकी लत लग जाती है। आज हिंदुस्तान में मैं खासकर पंजाब का जिक्र करूंगा, जहां पे सैकड़ों घर बर्बाद हो गए नशे की वजह से। मन का खालीपन या तो आप ध्यान से भर सकते हो या प्रेम से, दुनिया में और कोई तीसरी चीज नहीं जो मन के खालीपन को भर दे। सूर्य खराब होने की वजह से हमारी फीलिंग्स जहरीली हो जाती है, हमारे रिश्ते ज्यादा नहीं टिकते, 1-2 साल, 6 महीने में तलाक हो जाते हैं या डिवोर्स हो जाते हैं, या जिसके हम जो अल्टरनेट ढूंढते हैं वो भी बड़े फेक हैं, लिविंग रिलेशनशिप। मैंने आपको एक चीज दोबारा कहना चाहूंगा कि कभी भी झूठे प्रश्नों के उत्तर आप सच से नहीं दे सकते और सच्चे प्रश्नों के उत्तर झूठ से नहीं दे सकते। आपको जीवन को स्वीकार करना होगा आप जिस भी हालत में। नशे में आदमी जाता है, उसका एक प्लेनेट है बुध, बुध की वजह से उसको नशे की तलब लगती है और वो आदमी को नशीला बना देता है। बुध का क्या रोल हमारे जीवन में? बुध हमारी वाणी का कारक है। जितनी भी गले से थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, गले से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हकलाना, तुतलाना या शब्दों को एक्सप्लेन नहीं कर पाना, ये बुध से रिलेटेड है। हमारे जितने भी डायफ्राम के छोटे छोटे स्पंज कोष्ठक हैं, ये 7 करोड़ 20 लाख के लगभग हैं, ये बुध से रिलेटेड है, जो कि 2.25 करोड़ के आसपास सक्रिय रहते हैं, बाकी अवरुद्ध पड़े रहते हैं। दुनिया में जितने भी हर्ट के ब्लॉकेज होते हैं उन सब लोगों का बुध कमजोर मिलेगा। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड का सेकंड पार्ट, जिसको हम डोरोसिल विजन बोलते हैं, ये बुध से रिलेटेड है। इसमें 14 हड्डियां होती हैं। इस तरह की किसी भी आदमी को यदि प्रॉब्लम है तो उसका बुध खराब मिलेगा और बुध खराब होने की वजह से आदमी को नशीला बना देता है। मन के खालीपन को भरने के लिए वो नशे में चला जाता है और अपना पूरा जीवन जो है बर्बाद कर लेता है। उसके बाद उसकी भावनाएं जो हर्ट होती हैं उसकी वजह से उसका चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा हमारी भावनाओं का कारक है, और जब चंद्रमा उसकी भावनाएं आहत होती चली जाती हैं, यानी भावनाओं को दबाता चला जाता है और कॉन्फिडेंस उसका टूट जाता है, क्योंकि उसका सूर्य खराब हो जाता है। जब पूर्णिमा आती है तो वो आदमी मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है, और पूरी दुनिया में जितने भी सुसाइड होते हैं वो पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले या पूर्णिमा के दिन होते हैं। ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आंकड़े आप निकाल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन 16 कला भरपूर चंद्रमा होता है। पूरी दुनिया के पागलखानों में पूर्णिमा के आते आते पागलों की और मानसिक रोगियों की भीड़ बढ़ जाती है, और अमावस्या आते आते इसकी भीड़ कम हो जाती है। पूरी दुनिया में जितने सुसाइड केसेज आज तक हुए, पूरा आप इसका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, ये पूर्णिमा के इर्द गिर्द होता है, और इसका पूरा सीधा संबंध चंद्रमा से है। और अंतरिक्ष से आने वाली जो नेगेटिव रश्मियाँ गिरती हैं मनुष्य के जीवन को, उससे आज का जीवन हम संपन्न तो हो गए लेकिन आत्मिक रूप से खोखले होते चले गए। आचार्य जी, जो नॉर्मल लोग हैं और जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स हैं, उनके ग्रहों में क्या डिफरेंस होता है?
जिस फील्ड का जो आदमी स्पेशलिस्ट होता है उसमें उस ग्रह का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े योद्धा हैं, जितने बड़े जनरल हैं या जितने बड़े सर्जन हैं, उन सब की कुंडलियां आप इकट्ठी करेंगे तो उन सब में मंगल का बड़ा भारी प्रभाव देखा जाता है। मुगल काल का जिक्र करूंगा। अकबर इस चीज को भली भांति जानता था। वो जिस आदमी को अपने इर्द गिर्द रखता था सबसे पहले उसकी कुंडली चेक करवाता था। अकबर के 9 रत्न थे। जो लोग उसके लिए जासूसी करते थे वो केतु प्रभावी लोग होते थे। जो योद्धा होते थे उनका मंगल चेक करवाता था। जो नृत्यांगनाएं उसको संगीत और गीत सुनाया करती थी उनके शुक्र चेक करवाता था। जो लोग गाने का काम करते थे उनका बुध, और जो लोग उसे सलाह देते थे उनका गुरु चेक करवाता था। सलाह देने वाले लोगों की जिंदगी में गुरु का बड़ा गहरा प्रभाव होता है और उनके शब्दों में एक विशेष प्रकार की पाकिजगी पाई जाती है। जिन लोगों से वो ब्रेन के काम लेता था उनके चंद्रमा चेक करवाता था, और जिन लोगों को हथियार बनाने में रखता था, गोला, बारूद, बंदूकें, वो शनि प्रभावी लोग होते थे। इसलिए जिस भी तरीके के लोग मिलेंगे आपको, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज मिलेंगे या जितने बड़े एक्टर मिलेंगे आपको, या फिल्मी हीरोइन या हीरो मिलेंगे, वो सब शुक्र प्रभावी लोग मिलेंगे। या जितने बड़े सिंगर या जितने भी बड़े संगीतकार, उन सब की कुंडली में बुध और शुक्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जितने बड़े डॉक्टर मिलेंगे वो सब मंगल प्रभावी होते हैं, और जितने भी बड़े साइंटिस्ट आपको मिलेंगे उन सब की कुंडली में शनि और चंद्रमा का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को ग्रहों से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारियां दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको आचार्य जी द्वारा दी गई इन जानकारियों से पूरी तरह से संतुष्टि हुई होगी। धन्यवाद।